हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे मोटो एज 20 में और आइको G3 5G में और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। तो मोटो की है डिस्प्ले 6.7 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले। और आइको की डिस्प्ले 6.58 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले। और दोनों ही फ़ोनों में आपको पंच होल कैमरा मिलता है और मोटो में आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है और आइको में ही 120 हर्ट्ज़ का। और डिस्प्ले क्वालिटी में मोटो बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो मोटो का है स्नैपडील का 778G 5G का CPU, 3.2 GHz ऑक्टे कोर का, 6 नैनोमीटर्स का फिन फैट। और आइको का जो प्रोसेसर है वो है स्नैपडील का 768G 5G का CPU, 2.8 GHz ऑक्टे कोर का और 7 नैनोमीटर्स का फिन फैट, GPU 620 का। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो दोनों का है ट्रिपल। मोटो का जो मेन कैमरा है 108 मिसल का, फिर 16 का, फिर 8 का। और आइको का जो मेन है 64 मिसल का, फिर 8 का, फिर 2 का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो मोटो का है 32 का और आइको का है 16 का। बात करते हैं बैटरी की, तो मोटो में है 4000 mAh की, आइको में है 4400 mAh की। और दोनों फ़ोन की बैटरी एप्स नॉनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, तो मोटो में है 30 वाट का, आइको में है 55 वाट का। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। दोनों में आपको ट्रिपल सिम नहीं मिलती। दोनों की है वारंटी 1 साल की। दोनों में आपको फ्रंट में ग्लास है, बैक में प्लास्टिक है। और मोटो में रैम है 8 GB की, आइको में है 6 GB और 8 GB की। मोटो की मेमोरी 128 GB की, आइको में 128 GB, तो है 56 GB की। दोनों में कनेक्टिविटी है 5G की। दोनों में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की, तो मोटो का है स्टार्टिंग 29,999 रुपये, आइको का है स्टार्टिंग 19,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।